हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम इतिहास हमारे अतीत कक्षा 6 का पहला पाठ क्या, कब, कहाँ और कैसे का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पाठ, क्या, कब, कहाँ और कैसे का अभ्यास कार्य। आओ याद करें। प्रश्न पहला, निम्नलिखित का सुमेल करो, और यहाँ पर दिए हुए हैं नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। और विकल्प है पहला बड़ा राज्य, शिकार तथा संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आंतरिक कृषि और प्रथम नगर। चलिए इसका विकल्प मिला लेते हैं। पहला नर्मदा घाटी, शिकार तथा संग्रहण इसका सही मिलान है। तो प्यारे बच्चों, इसका दूसरा विकल्प शिकार तथा संग्रहण होगा। मगध पहला बड़ा राज्य, तो ये आपका पहला बड़ा राज्य था, तो मगध का सही विकल्प होगा पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि से संबंधित है बच्चों, तो इसका सही मिलान पांचवा आरंभिक कृषि होगा। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का संबंध प्रथम नगर से है, प्रथम नगर यानी पांचवा विकल्प सही मिलान होगा। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, इसका सही विकल्प तीसरा होगा। तो गंगा घाटी का मिलान करेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर के साथ। उत्तर में सही विकल्प मैंने सामने दिखा दिए हैं, आप इनको देखकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चों। प्रश्न दो, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। उत्तर, पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खोदकर लिखा जाता था। प्रश्न तीन, आओ चर्चा करें। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। उत्तर, हमें अतीत के विषयों में पांडुलिपियों वे अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियां मिलती हैं। प्रश्न चार, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। उत्तर, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं थी, पहला सिक्के, दूसरा हथियार, तीन आभूषण, चार चित्र तथा मूर्तियां, पांच औजार, छह हड्डियां, सात पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। इनमें से पत्थर से बनी वस्तुएं थी, पहला इमारतें, दूसरा हथियार, तीसरा औजार, चौथा मूर्तियां। प्रश्न पांच, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। उत्तर, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। दूसरा, यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी न हों। तीसरा, यह भी संभव है कि वे गरीब हों और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। प्रश्न छः, कम से कम दो ऐसी बातों का उल्लेख करो
जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है? उत्तर, राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर निम्न था। पहला, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था। दूसरा, राजा अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। प्रश्न 7, प्रश्न 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार क स्त्री, ख पुरुष, ग स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं? उत्तर, शिल्प क स्त्री, ख पुरुष, ग स्त्री तथा पुरुष। अब यहाँ पर शिल्प के नाम है, पहला हस्तशिल्प। बच्चों, हस्तशिल्प स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, तो यहाँ गै ऑप्शन होगा आपका, स्त्री पुरुष दोनों। दूसरा, भवन शिल्प। भवन शिल्प केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर खे ऑप्शन है, पुरुष। तीसरा, मूर्ति शिल्प। मूर्ति शिल्प का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, तो गा होगा, स्त्री पुरुष दोनों। चौथा, काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ख ऑप्शन होगा, पुरुष। पांचवा, चर्म शिल्प। चर्म शिल्प भी मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ख ऑप्शन, पुरुष होगा। प्रश्न 8, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? उत्तर, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी। एक, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर। दो, राजाओं के जीवन पर। तीन, औषधियों तथा विज्ञान पर। चार, महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर। तो प्यारे बच्चों, आपके कक्षा 6 का पहला पाठ क्या, कब, कहां और कैसे का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस अभ्यास कार्य को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।